मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। 92 साल के थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल। बड़ी खबर आ रही है, उनका निधन हो गया है। 92 साल के थे केशुभाई पटेल। गोपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सांस की तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गोपी, क्या खबर वहां से? बिल्कुल नवजोत, आज सुबह केशुभाई पटेल को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उनका निधन हुआ है। कुछ दिनों पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी हुआ था और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कोरोना को मात देते हुए वो उनके घर पे वापिस लौटे थे, लेकिन आज सुबह उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उनको अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे उनका निधन हुआ है। हालांकि इस पूरे केशुभाई की अगर उम्र की बात की जाए तो 92 साल की उनकी उम्र थी। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने उनके परिवार के साथ बात कर अपना शोक व्यक्त किया है। साथ ही क्योंकि गुजरात में उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव के लिए यहाँ पे प्रचार चल रहा है, तो खुद मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ बात की है और खुद मुख्यमंत्री भी वहां पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि कोरोना को मात देकर वो ठीक हुए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उम्र भी 92 साल की हो गई थी। इस बीच क्या कुछ डॉक्टर्स ने बताया था? बिल्कुल, डॉक्टर उनकी जो तबियत थी वो कोरोना के बाद वो ठीक तो हो गए थे, लेकिन तभी से उनकी तबियत में उनकी तबियत अच्छी नहीं चल रही थी। तो जो उनके बेटे हैं, उनके बेटे के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि लगातार उनकी तबियत खराब हो रही थी और आज सुबह उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था। अस्पताल में वहां पे डॉक्टर के जरिए काफी मेहनत की गई, काफी उनको ट्रीटमेंट भी दी गई, लेकिन वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे और उसके बाद डॉक्टर ने करीब 8:30 के बीच में उनको मृत घोषित किया। बिल्कुल, कोरोना से स्वस्थ होने के बाद तबियत उसके बाद दोबारा बिगड़ी, जैसा गोपी आप भी बता रही हैं। अभी फिलहाल जाहिर सी बात है कि पूरे गुजरात में एक तरीके से शोक की लहर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अभी वहां पहुंचने वाले हैं। इस बीच क्या खबर वहां से आ रही है अभी? बिल्कुल, यहाँ पे नवजोत बात की जाए, केशुभाई पटेल फिलहाल जो उनका पार्थिव शरीर है उनको अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद उनको घर ले जाया जाएगा और घर ले जाने के बाद ही उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पे निकाली जाएगी। लेकिन कोरोना का वक्त है, तो कोरोना के वक्त की वजह से परिवार वाले ये फैसला लेंगे कि किस तरीके से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाए। लेकिन पूरे गुजरात में, क्योंकि केशुभाई की अगर बात की जाए तो केशुभाई जनसंघ के वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। जनसंघ सबसे पहले बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनने वालों में से कोई था तो वो केशुभाई पटेल थे और केशुभाई पटेल लगातार बीजेपी के साथ एसोसिएट थे। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी आने के बावजूद उन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद था, तो उसकी वजह से उन्होंने 2012 में अपनी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी, लेकिन बाद में उसी पार्टी को बीजेपी में सम्मिलित कर दिया था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार केशुभाई के आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के आशीर्वाद लेने जन्मदिन के मौके पे जाते थे, वो साल में एक बार केशुभाई के आशीर्वाद लेने जरूर जाते थे। तो केशुभाई को काफी सम्मानित राजनेता माना जाता है। तो वही लगातार जो जनसंघ के टाइम से जुड़े हुए जो नेता है, जो लोग है, वो काफी उनमें काफी शोक ये व्यक्त हुआ है कि केशुभाई पटेल, जो कि लगातार गुजरात के साथ जुड़े हुए थे, गुजरात के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, इस तरीके से कहा जाता है गुजरात की राजनीति में, तो वैसे में उनके निधन से काफी शोक का माहौल है। जाहिर सी बात है, जूनागढ़ उनका गृह जिला जैसा बताया जाता है। और गोपी, 1945 से प्रचारक के रूप में, आरएसएस प्रचारक के रूप में ही वो जुड़ गए थे और फिर उसके बाद गुजरात की जनता के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया उनकी सेवा के लिए। सियासी सफर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने रहे थे, 1995 से 98 और फिर 2001 तक उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी और फिर उसके बाद आरएसएस के प्रचारक 1945 से ही आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, जनसंघ के साथ। 92 साल की उम्र और केशुभाई पटेल का निधन। कोरोना को मात देकर घर लौटे, लेकिन अचानक से सांस में तकलीफ हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए।